नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं सातलखेड़ी, आइए जानते हैं किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है। दोस्तों मैंने अभी तक जितने भी राज्य कवर किए हैं डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में और जितने भी डेयरी फार्म विजिट किए हैं, सबसे हटके और सबसे अच्छा डेयरी फार्म आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर आप पशु का जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको और क्या डाइट प्लान होता है, किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग की जाती है। दोस्तों आपको मध्य प्रदेश या MP का कहें तो सबसे फर्स्ट डेयरी फार्म मैंने जितने भी अभी तक कवर किए हैं, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जितने भी फार्म विजिट किए हैं उसमें से सबसे फर्स्ट डेयरी फार्म मैंने आज देखा है। और यहाँ पर बफेलो को बहुत ही शानदार तरीके से पाला जाता है, 24 महीने या 36 महीने में वो बच्चा दे देती है और कितना मिल्क का प्रोडक्शन करती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम गंगा सिंह सोलंकी, हमारा डेयरी फार्म भवानी मंडी राजस्थान के बॉर्डर पे है, ऐसे तो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान बॉर्डर पे है। अच्छा, हमारा जो नज़दीक नियर स्टेशन भवानी मंडी राजस्थान है। हाँ सर, ये बताएं कितना पुराना डेयरी फार्म है ये? ये लगभग 70 साल पुराना डेयरी फार्म है। 70 साल। आप कब से इसको संभालते आ रहे हैं? मैं 2017 से इसको संभाल रहा हूँ। अच्छा, 2017। अभी टोटल एनिमल कितने हैं आपके पास? अभी 45 के समथिंग है, 45-50 के समथिंग। कितनी काउ और कितनी बफेलो है? काउ तो हम कम रखते हैं, काउ तो 4-5 है, बाकी सारी बफेलो है। बफेलो पे आप ब्रीडिंग पे काम करते हैं? बिल्कुल, ब्रीडिंग पे काम चलता हमारा। ये बताएं सर कि अभी दूध का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने मिल्किंग में है अभी? मेरे यहाँ अभी लगभग जो पशु है 11-12 लीटर टाइम का दूध देती है, एक टाइम का 11 लीटर, 11.5 लीटर, 12 लीटर तक की भैंस है मेरे पास। अच्छा, अभी कितना दूध हो रहा है आपका? हम तो ब्रीडिंग करते हैं सर, अधिकतर तो फोकस नहीं है, बच्चों को पिलाते, बचा हुआ दूध हमारी खुद की डेयरी भवानी मंडी वहाँ जाता है। अच्छा, ये बताएं सर कि कितने महीने की बच्ची आपके यहाँ बच्चा दे देती है? 24 महीने की 12 महीने की बच्ची हमने गैबिन करा के और 24 महीने में बच्चा ले लिया है। अच्छा, हाँ सर, ये बताएं कि शुरुआत में जब उसका day 1 से आप फीडिंग देते हैं काफ को, नई बच्चा को तैयार करते हैं, तो शुरुआती दिनों में क्या उसका डाइट प्लान रहता है? सर वो धीरे धीरे, जैसे हम गेहूं का दलिया, बिनौले की खल, अलसी का तेल, गुड़ वगैरह से स्टार्ट करते हैं, सारे पशु को एक जैसा ही डाइट देते हैं। दूध कितना महीना देते हैं? बच्चों को पूरा टाइम दूध पिलाते हैं। कितने महीने तक देते हैं, मतलब कितनी उम्र तक देते हैं बच्चे? नहीं, दूध जैसे ब्रीडिंग का बच्चा है तो उसको माँ का दूध तो 10-12 महीना मिलता ही है, 10-12 महीना, जिसके बाद भी एक्स्ट्रा अगर कोई है तो उसको अगर अलग से पिलाते हैं फिर। अच्छा, जैसे ये बच्चा देखेंगे ना आप, तो इसको सर्विस चालू हुई जहाँ तक दूध पिलाया हमने। अच्छा, जब तक इसने सर्विस दी ना। कितने महीने में सर्विस चालू कर दी सर? इसने लगभग 18 महीने के बाद सर्विस चालू कर दी। 18 महीने के बाद चालू। इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड क्या था? 22 लीटर पर डे का जी। और अभी इसकी बच्चियां तैयार हुई है सर? अभी एक बच्ची आई है इसकी फर्स्ट अपने फार्म पे ही। अच्छा, एक बच्ची, हाँ अभी बच्ची लगभग 2 महीने की है और बच्चा 1 महीने का है। आपने बताया कि आपके पास इतने पशु हैं तो लगभग सभी आपकी खुद की ब्रीड तैयार की गई? हाँ, खुद की, पहले तो हरियाणा से लाए थे। अच्छा, जिसके बाद उनके बच्चे वगैरह यहाँ तैयार करके अब खुद का कर लिया। क्या देते हैं अभी इसको सूखे चारे में आप? सूखा तो हम जो मेड़ के जो पूले होते हैं, जो मेड़ का जो चारा होता है सूखा, वो खिलाते हैं। बाकी तो सूखे में तो भूसा तो हम खिलाते नहीं, गेहूँ का भूसा खिलाते नहीं, बिल्कुल नहीं जी, चौना का भूसा नहीं खिलाते, सोयाबीन का नहीं खिलाते, उड़द का नहीं खिलाते। हरे में क्या देते हैं? हरे में हमारे पास रसीला ज्वार है, नेफियर है, और ये जो अभी जो बारिश का घास है वगैरह देते, क्रैश करके देते हैं इसको। जी जी। अच्छा, और दानों में क्या देते हैं कॉन्सेंट्रेट में आप? हम इनमें गेहूं का दलिया देते हैं। गेहूं का दलिया और चने की चूरी। बिनौला खली वो तो सुबह से हम बांटे में देते हैं ना। कितना देते हैं आप? अगर दो साल की बचिया है या मिल्किंग में है तो भरपेट, जितना वो खा सकता है पशु भरपेट। फीडिंग में भरपेट देते हैं आप? भरपेट। अच्छा, भरपेट। ये बताएं कि कितने महीने की बचिया आपके यहाँ बच्चा दे चुकी है? 24 महीने की। कितने महीने में हिट पे आ जाती है? मेरे यहाँ 12 महीने, 11.5-12 महीने में हिट पे आ जाती है। अच्छा, हाँ सर, ये बताएं कि आपका जो फार्म है इसकी साइज क्या है? इसकी साइज 50x72 है। 72 है। इस फार्म को मैंने नया जो बना। अच्छा। अगर पीछे का देखे तो वो रहे, पर वो एक्स्ट्रा में नया जो अभी बनाया इस साल उसका बता रहा हूँ मैं। ये बताएं कि अभी आपके फार्म पर कितने लेबर या वर्कर काम करते हैं? 13 आदमी मेरे पास। 13 आदमी काम करते हैं। क्या क्या करते हैं उसमें? वो खेती भी है हमारे पास, सोबे का जमीन भी है, खेती भी करते हैं, साथ साथ पशु का भी करते हैं, दो ही कंबाइंड चलता है। कंबाइंड करते हैं जी। सर आपके पास इतनी खेती है तो आप किस प्रकार से डेयरी फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या सोचकर आप इस क्षेत्र में? हमें जो गोबर का खाद है ना वो तो चाहिए, अब गोबर खाद के लिए तो फिर खरीदो, इससे तो बढ़िया पशु रखो, नाम भी हो रहा, काम भी हो रहा। अच्छा, घर का दूध भी मिल रहा है खाने को। सर ये बताएं कि आप मिनरल में क्या क्या देते हैं? मिनरल में CRS वगैरह देते हैं। CRS वगैरह देते हैं, हाँ, जो भी वेट केयर का है मिनरल,
जो भी है अच्छा ब्रांडेड होता है। सर आप इतने सालों से डेयरी फार्मिंग करते आ रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या जैसे थनेला हुआ, मेसेटाइटिस या रिपीटिंग हुआ, या पशुओं में जैसे बांझपन होता है, आपके फार्म पर किसी प्रकार की कोई समस्या या लंपी आया था 2 साल पहले? नहीं, लंपी तो हमारे यहाँ नहीं आया। इसके अलावा और क्या क्या उपलब्ध हो पाता है फार्मरों के लिए आपके पास में? मेन तो है हंस टोका जो चारा काटने की कुटी मशीन का डीलरशिप है, चाप कटर का डीलरशिप है मेरे पास जी। पहले हंस टोका था, अभी मैंने 3 का वो ले लिया, हंस टोका के साथ साथ मालवा पंजाब और न्यू ग्रीन पंजाब जी। ये 3-4 तो मेरे पास एजेंसी है चाप कटर की ब्रांडेड में। अच्छा, इसके अलावा सबसे बेस्ट बात जो पशु मेट होते हैं, सबसे टॉप भारत पशु मेट जी। पशु मेट तो हालांकि बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, लोकल भी आते हैं, पर मेरे पास जो है ब्रांडेड क्वालिटी का मिल जाता है ना, ब्रांडेड पशु मेट मिलता है, भारत पशु मेट। चाप कटर आपके पास कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने का अवेलेबल हो जाता है? 24,000 से स्टार्ट है सर। अच्छा, 31,000 तक चाप कटर है, जो 20 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यदि आपको डेयरी फार्मिंग में किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट की आवश्यकता लगती है तो दिए गए स्क्रीन पर सर के नंबर चल रहे हैं, आप इस पर कॉल करके सर से किसी प्रकार की जानकारी डेयरी फार्मिंग या चाप कटर या काउ मेट के बारे में, पशु मेट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों इस डेयरी फार्म पर आज मैंने विजिट किया और काफ़ी देखा, काफ़ी साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है, काफ़ी फीडिंग का ध्यान दिया जाता है, हरा चारा, सूखा चारा, लेबरों का, और बच्चों को ज़्यादातर यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ब्रीडिंग की जाती है। कहें हम कि एक दूध उत्पादक ना कहते हुए एक ब्रीडर कहें, ताकि बहुत ही अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर की बफेलो इन्होंने तैयार किए। वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे किसकी कितनी एज है और क्या बॉडी का वेट है। कि क्या उम्र है? 2.5 साल के समथिंग का है सर। अच्छा, 2.5 साल के समथिंग का है। अभी सर्विस चालू है? हाँ चालू है, बराबर है। अच्छा, दोस्तों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से एक बुल की हाइट है, 5 फीट आराम से, 5 फीट बड़े आराम से 5 फीट के समथिंग एक बुल की हाइट है और बहुत ही बॉडी वेट मेंटेन कर रखा है। अच्छा, फेलो की क्या तीसरे ब्यांत में है? 20 लीटर प्लस दूध है अभी ड्राई में या भी नहीं? अच्छा, तीसरे में है, ये भी खुद की बच्चियां तैयार की आपने? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही शानदार। हाँ इसका, हाँ इसका बताएं, इसकी क्या उम्र है? ये 4 दांत जोटी है, तीसरे बार गैबिन है, 4 दांत मुंह से, 4 दांत है। अच्छा, तीसरी बार गैबिन है। कितना प्रोडक्शन किया है इसने? ये 10.5 लीटर 11 लीटर तक टाइम का दूध दिया है। इसकी बच्चियां हैं आपके पास? हाँ, इसकी बच्ची है ना, तैयार की? हाँ सर, इसका बताएं इसकी क्या उम्र है? ये भी वही है, 4 दांत बच्ची है और ये भी तीसरी बार गैबिन है। अच्छा, तीसरी बार गैबिन है। इसने कितना प्रोडक्शन किया? काफी हाइट है इसकी, ये इसने भी 10+ में किया टाइम का। हाँ सर, इसका बताएं क्या उम्र है इसकी? ये भी उसी लाइन की है, उसी लाइन, हाँ, तीसरे ब्यांत में गैबिन है। अच्छा, यहाँ कितना प्रोडक्शन किया है? 6 दांत जोटी है इसने, 9.5 लीटर, 9.5 लीटर टाइम का। अच्छा, कौन से लैक्टेशन में बच्चा देने वाली है? चौथे में देगी 12.5 लीटर दूध है इसका टाइम का, 12.5 लीटर एक टाइम का। अगर कीमत की बात करें तो कीमत बेचना ही नहीं जी इसको, ब्रीडिंग की है जी। हाँ, अच्छा, इसकी बच्चियां तैयार की है आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये अपने पास है इसमें। अच्छा सर, इसका बताएं क्या उम्र है इसकी? ये फर्स्ट टाइमर है। कितने महीने की? सेकंड में गैबिन है। अच्छा, सेकंड में गैबिन है जी। जी, कितना दूध करने वाली है इसने? सर फर्स्ट में 9 लीटर निकाला टाइम का। अच्छा ठीक है, इसको ले लें। अच्छी, हाँ सर, इसका बताएं ये कौन से? 7 लैक्टेशन में, सातवीं बार इसकी बच्चियाँ तैयार की है। बच्ची एक तो बड़ी वाली जो फर्स्ट वाली तो हमने दिखाई थी, फर्स्ट में तो बोलता इसके बाद की बच्ची है वो, जो 4 दांत में तीसरी बार गैबिन है, एक वाली ये बच्ची सामने जो तगड़ी बच्ची है ना। अच्छा, ये वाली भी इसी की है, उसी की बच्ची है, उसी की सेकंड वाली बच्ची है। सेकंड वाली बड़ी बच्ची तो उधर है, सेकंड वाली बच्ची है। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? सर 2 दांत जुटी है। अच्छा, 2 दांत है। हाँ, अभी तो काफी हाइट है बुल, इतनी 5 फीट हाइट होगी जी। जी जी, दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं काफ़ी हाइट है बफेलो की और अभी 2 दांत कटड़ी है और बहुत ही शानदार बॉडी वेट है इसका। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश की सबसे शानदार डेयरी फार्म या शानदार बफेलो कहें तो आज मैंने यहाँ पर देखी है। आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितनी उम्र है इसकी? सर इसकी 25 महीने के समथिंग। 25 महीने की, प्रेग्नेंट हो चुकी है? 7 महीने। 7 महीने की, मतलब 3 महीने रह गए हैं इसको। जी जी, ठीक है, छठे में। हाँ, हमारे बिल्कुल दूध पे है। अच्छा, हाँ, अभी 10 लीटर टाइम का दूध दे रही है, एक टाइम का जी, बराबर 20 लीटर प्रतिदिन का है। सर आप सेल भी करते हैं? नहीं, अभी नहीं करेंगे। आपने समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, सभी पशुपालक भाइयों को मेरी शुभकामनाएं।